हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब केदारनाथ के वीडियोस के बाद में अब हम एक दो वीडियोस और हैं अभी, जो अभी रिसेंट है, अब हर्ष के बर्थडे का। अब हर्ष जो हमारे साथ चोपटा वाली यात्रा पे निकला था, तो वो हर्ष, तो शुरू करते हैं नया वीडियो, वो भी देखो थोड़ा सा अच्छा फनी कंटेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा आने का क्या सीन था, हम पहले रात को 8 बजे हम वहाँ पहुँचे के ना ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश के बस स्टैंड पे पहुँचे। तो पहले तो पता आपका सामान छोड़ना था, तो आपके सामान छोड़ने के बाद में ना हम क्या करे कि सौरभ अकेला चला गया ऑटो लेके, आपका ईयरफोन मेरे पास रह गया था। ये देखो, ये ईयरफोन मेरे पास रह गया था मेरे बैग में, पहले तो मैंने गले में लटका रखा था, फिर मैं कहा यार ये कहीं गिर विरा गया ना तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको फिर बैग में डाल दिया। तो फिर हम नेपाली फार्म के, उन्हें वो चला गया आपका सामान देने के लिए, तो फिर हम मैं नेपाली फार्म के लिए निकल गया। सौरभ से बात हुई थी कॉल पे, तो उसने कहा था मैं नेपाली फार्म मिलूंगा तो अपन बस पकड़ लेंगे वहाँ से कोई भी, ये जो जिस बस से आप आए हो ना हरे कृष्ण से, तो ना वहाँ हमें मिली थी, तो ये अपने हेड ऑफिस ले गई थी कि ना वहाँ से बस पकड़ा हरिद्वार, हाँ नहीं हरिद्वार से नहीं हरिद्वार में ऑफिस इनका हरिद्वार में, तो ना वहाँ पे गए तो एक तो पैसे भी नहीं थे। अब आपको बात बताता हूँ, हम कुल लेके गए थे, हमारे पास मान लो 2500 रुपये लास्ट थे हमारे पास, हाँ 2500 रुपये लास्ट थे, और कार्ड पड़ा हुआ था हमारे पास, खाने तक के पैसे नहीं थे। सौरभ के पास में 600 रुपये थे, मेरे पास में 1100 या 1200 समथिंग पड़े थे, या उस 1000 पड़े थे, तो और एक 500 रुपये मैंने रखे थे एमरजेंसी के लिए, जो मेरे को मेरे रिलेटिव ने दिए थे एंड टाइम पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अब ये 1500 रुपये मैंने दिए, 600 रुपये उसने दिए, 2100 ऐसे मिलाए, और जो मेरे पास में एक 50 का 20 का और एक 10 का नोट पड़ा, 80 रुपये पड़े थे, उसके बाद 20 रुपये पड़े हुए थे, वो भी आपको बताऊँ कहाँ 20 रुपये भी हमने चिपकाए थे सौरभ को बस में, कहीं 20 रुपये पड़े मिले। मैंने कहा सही सौरभ, ये तेरे पैसे गिर गए, एक बंदे ने पकड़ाया मुझे, मैंने कहा सौरभ तेरे पैसे गिर गए, तो सौरभ बोलता यार मेरी ना जेब बड़ी खुली हुई रहती है, मेरे पैसे गिरते रहते, हमने ऐसे 20 रुपये चिपका लिया अपने हाथ में। तो हम लेके गए, तो हमने 2200 रुपये कैसे जैसे दिए, तो रात को स्टॉपेज आया वहाँ पे खाने के लिए, तो कार्ड था, मैंने पहले पूछा कि भाई कार्ड चल जाएगा ना, डेबिट कार्ड था, तो ना उन्होंने कहा हाँ चल जाएगा, तो 330 रुपये का हमने वहाँ पे खाना खाया, उत्पम लिया था, ऑनियन उत्पम, मेरे को इतना सही बहुत था, क्योंकि थोड़ा ना बस की कंडीशन थोड़ी ऐसी थी, मज़ा नहीं आया था, तो मैं सौरभ थोड़ा जल्दी कर रहा था क्योंकि उसके इंटर्नशिप का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अपन उत्पम लेके, एक उसके लिए पैक करा लिया, एक मैंने वहीं पर ही खा लिया, और फिर हम निकल गए जयपुर के लिए। फिर हम अगले दिन सुबह पहुँचे, तो ये राम मंदिर है ना दशहरा मैदान वाला, वहीं पर उतर गए थे, पापा लेने आ गए थे, वो तो ऑटो से चला गया था, तो मेरे को तो पापा लेने के लिए आ गए थे। तेरा कंटेंट बन रहा है, क्या 22? अरे गाना 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 तेरे लिए चलाया वो गाना, ऐसा है। हाँ तो अब क्या बोलना चाहेगा तो बता। 22 साल तो हो गए फिर, अब 22 साल हो गए अब, और कुछ बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ अभी लाइफ में बहुत कुछ सोच रखा है, और ये जो 5XL है इसको कम करना है। ओके सॉरी L से डबल XL हो गया भाई, उल्टा बोलता है अब, वो उल्टा जा रहा है, उल्टा हो रहा है, हाँ वो उल्टा हो रहा है, ठीक है बाय कर दो तुम बाय। पर ये है, ले ले इधर देख ले, मेरा टूटा हाथ है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, अरे बहुत मतलब ये मजा आ गया जी, मतलब खुशी हुई बहुत ज्यादा। तो बेसिकली ना वी वर देयर, तो काफी अच्छा था, थैंक यू फॉर द पार्टी। अरे थैंक यू, है ना, मतलब सही में बहुत अच्छा लगा,
तो अब देखेंगे नेक्स्ट हम कहाँ पार्टी करेंगे। हाँ, पक्का। श्योर। अभी हमारा प्लान कुछ और देखें। कितना खुश हो रहा है। अरे सर इतना ड्रेस अप होकर आया हूँ सर, देखो ऑल ब्लैक। नहीं मैं भी थोड़ा सा ब्लैक होके आया ना। हाँ। मैच करने के लिए। वो कहते हैं रंग तेरी गाड़ी तो ऑल ब्लैक। मेरी गाड़ी भी ब्लैक है, मैं खुद भी ब्लैक हूँ। क्या बात है। वो उधर खड़ी है मेरी गाड़ी। अच्छा तो अभी हम लोग यहाँ बैठे थे। हाँ, हर्ष ही एज यूजुअल जो अभी पीछे केदारनाथ ने उनको दिखा। तो बेसिकली क्या था, जो हम त्रियुगी गए थे और हम गए थे दिसंबर में ना, 25 दिसंबर के आसपास से क्रिसमस टाइम पे। तो वहाँ मैंने जिक्र किया था वीडियो में कि हमको दो लोग मिले और जयपुर से मिले, ठीक है। तो ठीक है उस टाइम की बात थी, फिर थोड़ा फेड आउट हो गया। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे वीडियो एडिटिंग के लिए, हम लोग बैठे, थोड़ा बहुत हमने वीडियोज़ वगैरह देखी, चर्चा करी। तो मेरे को भी लग रहा था और उनको भी ऑब्वियसली लगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार कहीं एक दूसरे को हमने देखा हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि यार आपको, आपने हमको तुंगनाथ का यात्रा रास्ता बताया था कि भाई वहाँ जाना है बेसिकली। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम वो दो जने जो मिले थे, तो उनमें से वही एक ये हैं। तो मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस कि कहाँ से कहाँ और कैसे और यहाँ आके मिले फिर से। तो ये शेयर करने का था जो मैंने डाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। देख रहा आप पूछते हैं तुम बातें मत करो। हेलो आपके मोबाइल लेके पक गया हमारा मोबाइल। तेरे को कहा था ना मैंने रखा हुआ है ना। तो आई होप छोटा सा कंटेंट था, अच्छा सही लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस कुछ नई लोकेशन के होने वाले हैं, हम नई लोकेशन एक्सप्लोर करने निकले, तो उसके अब नए वीडियोस होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।